वैसे आपस की बात है, चटनी आराम की होती है। यार आज फिर जो है हमारी पिकनिक है, को सीन बनाता हूँ। जिस बंदे ने रेंज कराई थी ना पिकनिक, वो आज खुद ही नहीं आया और लड़के यहाँ पे बैठे रुल रहे हैं। अब कुछ आपको शक्लें दिखाते हैं। हाँ जी, तो एंजॉय कर रहे हैं पिकनिक? देखे हमारा सीआर भी नहीं आया आप जो रेंज करने वाले हैं। अच्छा, इनके पास फिर भी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं मिला है इनको? जब पढ़ रहे हैं, ये बंदा जो है अव्वल नंबर का थीटा है। जो बात है इस वजह से बस क्या करें यार। हुआ ऐसे है ना कि जब दाऊद रहम में डिच कराया ना सीआर ने कि अब तो पिकनिक नहीं होनी, सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर ओन पिकनिक। तो मैं अपने ओल्ड फ्रेंड वहाब के साथ आया हूँ मुनाल। भाई वहाब, क्या फीलिंग है? अभी तो सर्दी से जो मार खा के आए हैं ना, फीलिंग अभी जाके फोड़ेंगे। तो यार आ गए हैं फिर हम ऑर्डर करने कुछ। हाँ वाह, क्या ऑर्डर करेंगे? बस देखते हैं यार, जो कर देते हैं। ठीक ठीक, कुछ मिला नहीं? ये करते हैं शाही प्लेट। दाऊद अगर तू वीडियो देख रहा है ना, तो तेरी वजह से मेरा इतना खर्चा हो रहा है आज। गाइस, तो हुआ ये है कि अभी हम जैसे ही आए हैं, ठीक है, फूड शूट अपना ऑर्डर किया है, तो बैटरी फोन की मुक गई है। शाबाश बेटा, तो इस पे वहाब साहब ने मशवरा दिया कि होगा मुनाल वालों के पास, तो आए हैं यहाँ पे, चार्जर कनेक्ट किया है, बड़ी चार्जिंग पॉइंट बनो हुआ यहीं पर लगा। हाँ, यहाँ पे गपशप भी हो रही है। फूड हमने ऑर्डर कर दी है, उन्होंने कहा ऑफर लगेगा, तो फिर हमने कहा मीन वाइज फोन भी चार्ज हो जाए, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। बिल्कुल, अब हम बैठे हुए हैं, एक हंटेड टाइप हॉल है यहाँ पे, और बंदा है नहीं, हम दो बंदे बैठ के फूड याद कर रहे हैं। अच्छा यार, आज का दिन वैसे मेरा बहुत एक्साइटिंग था। पहले मतलब मैं सुबह उठा, ठीक है, पिकनिक की खुशी में, ठीक है, हमारा जो क्लास का सीआर था दाऊद, ये फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसने क्या कहते हैं कहा कि पिकनिक करते हैं, ठीक है, हम सारे खुश खुश रेडी हुए, मैंने पढ़ाई भी नहीं की इसी चक्कर में। तो जब गया ग्राउंड में पहुँचे तो वहाँ हमारा कोई सीन ही नहीं, पिकनिक गोली करा गया, गोली करा गया। फिर सीआर हमेशा गोली कराते हैं, सीआर ऐसा ही होता है हमेशा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने प्लान बनाया कि ये वहाँ मेरे फ्रेंड हैं ओल्ड, ठीक है, तो इनके पास वो स्टोरी बताते हैं, वो स्टोरी बताते हैं आपको, फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, जब उसने गोली कराई तो मैं सबसे पहले गया क्रिकेट खेलने अपना, ठीक है, और जमाल के जो शॉट्स थे ना, देट वॉज क्वाइट अमेजिंग। ये शॉट वैसे आपका भाई भी इतना कम नहीं है, मतलब मैं भी खेल लेता हूँ क्रिकेट, लेकिन पता नहीं शॉट्स नहीं लगती इतनी मुझे, सब मैच लगाना पड़ेगा भाई। हाँ, वाह भाई के साथ भी लगाएंगे मैच, मुझे नहीं पता था तू क्रिकेट खेलता है। लगाएंगे मैच, लास्ट में आके शुरू कर दी थी, सही हो गया। तो खैर, उसके बाद क्या कहते हैं, मैच करने के बाद फिर सीख्स की गलियों से गुजरता हुआ आया हूँ, ठीक है, देख के डर लग रहा था। तो फिर उसके बाद गलियों में बस यार, अब क्या बताएं आपको, हादसा तो नहीं हुआ साथ? ये आपको ये सॉन्ग में पता लग जाएगा, ये आपको शो करता हूँ। अच्छा यार, एक तो पहली मैं थोड़ा टेंस में था सीख से आते हुए, ठीक है, फिर उसके बाद जो रोड इतने लंबे, और ऊपर से मुझे क्या कहते हैं वो उनकी गाड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं अजीब सा नाम है यार, अभी मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन कैब चलती है बस, ऐसे कह लो। वैसे हर टाइम गुजर रही होती है, लेकिन जब मुझे चाहिए होती है तब नहीं मिलती, और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता तब कहीं से आगे टपक जाती है। अभी आप खुद देखें, आधा घंटा मैं वेट करता रहूं, जब कोई नहीं गुजरी यहां से, तो फिर मैंने सोचा है कि अब बस पैदल ही चलते हैं, देख लें कितना बड़ा रूट है, अब वहां से पहले टर्न लेंगे, टर्न लेके फिर आगे जाएंगे, इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर जर्नी, और फिर वहां से मेट्रो में जाना है। एक घंटा वेट कर करके अब गुजरी है, जब मैं पास पहुंच गया हूँ दरवाजे के। अच्छा, फिर उसके बाद गया मैं क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन पर, ठीक है, वहाँ थोड़ा टाइम शाइम स्पेंड किया, आई गॉट माय टिकट्स, और फिर वापस नीचे। और फिर उसके बाद हम
टोकन शोकन लेके 2-3 मेट्रो चेंज मारी, ठीक है, और हम मिले वहाँ से। यहाँ पे ये पता है हॉन्टेड है, तो कुछ काम हो रहा है, तो ये गैर आबाद इलाका है, यहाँ पे खाली खाली है। वहाँ आपको बताएंगे फर्स्ट टाइम हम कैसे मिले थे। तो बेसिकली हमने दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया नेवी के लिए, बहुत शौक था किसी नेवी में जाएंगे, कैप्टन बनेंगे, वाइट वर्दियाँ। इनिशियल के अंदर हम लोग आया तो इनिशियल दोनों ने साथ दिया, वहीं पे ब्रेक थी हमारी आफ्टर इनिशियल टेस्ट, तो मैं वहाँ बैठा चाय पी रहा था। हाँ, वहीं पे मिले थे, तो वहीं पे गपशप हो गई। इसने अपना बताया कि मैं कैडेट कॉलेज से आया हूँ और सारा कुछ। अच्छा, वहाँ से एक और बात, इस बंदे ने मुझे पहले 3 बार, अच्छा हमारी कोइंसिडेंटली मुलाकात होती रही है, पहले से मुलाकात ही एक दिन, ठीक है, इनिशियल टेस्ट 3 दिन का होता है ना, फिर उसके बाद पेट के टेस्ट था, उस पे भी हुई और फिर भी इसने नंबर दिया, मैंने इसको कॉल नहीं की। एक मिनट, उसके बाद हमारी तीसरी मुलाकात हुई थी जब हम ISSB के फॉर्म जमा करवाने आए। हाँ हाँ, इनिशियल क्लियर, पेट क्लियर, उसके बाद फॉर्म जमा करवाने आए, तब भी बात हुई। हम तीनों दफा मैंने उसको फोन नंबर दिया कि चल यार हो रही है, रास्ते में रही, ठीक है, तुम्हें भी तैयारी करनी होगी ISSB की, तो मटेरियल वगैरह शेयर कर लेते हैं। इस बंदे ने ऐसी गोली कराई गायब, लेकिन फिर दुनिया से उठ गया था। और उसके बाद भी शायद मैंने नहीं किया, और फोन ऑफ इसका। हाँ, फोन ऑफ हो गया था मेरा, और 3 महीने बाद जब ISSB की कॉल आई ना, अभी कोई बंदा भी था रिजवान मलिक नाम का, मैं गायब। और फिर 3 महीने बाद जब ISSB की कॉल आई ना, मैं तब भी इसको कॉन्टेक्ट नहीं किया, मैंने कहा बस छोड़ो, क्या करना है, ठीक है। तो फिर आगे आप बात बताएंगे। हमें बिठाया हुआ था उन्होंने एंट्री के बाद, हमारे फॉर्म्स कह रहा हूँ सॉरी, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही थी। उससे पहले हमें एक हॉल में बिठाया गया कि हमने वेट करना था अपनी कॉल का ना, तो वहाँ पे क्या कह रहे थे, जो फ्रेशर्स थे, रिपीटर्स थे ना, उनको ग्रुपिंग करके बिठा रहे थे। तो मैं पहले बैठूंगा, मेरे साथ कोई और नए लोग बैठ रहे, गपशप हो रही है। तो वहाँ पे एक बंदा आया, कहते जी फ्रेशर इस साइड पे आ जाए, उस तरफ चले जाए रिपीटर्स, भाई सौ रिपीटर थे, तो मैं भी रिपीटर पर जाके बैठा, मेरे साथ आके बैठ गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने यूं देखा, ये कहाँ से टपक पड़ा है, मैं ऑलरेडी इमोशनल हुआ था, कोई जानने वाला नहीं, बस जब इसको देखा मेरा उधर सारा प्रेशर घूम गया, मैंने कहा बस अब ठीक है, अब तो हम दोनों रिकमेंड है। दोनों रिकमेंड है सही। उसके बाद मैं भी थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे, तो सिर्फ गपशप हुई, थोड़ा मामला चिल हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई इसकी, लेकिन ग्रुप हमारे अलग अलग बने थे, इसका अलग ग्रुप था, मेरा अलग ग्रुप था, लिहाजा रिजल्ट ISSB में ग्रुप्स बनते हैं ना, कि वो उन्होंने ग्रुप वाइज टास्क करना होता है, तो वो इसको हो गया। यार फोन थोड़ा बहुत चार्ज हो गया, तो अब हम वापस आ गए हैं, ठीक है, तो अभी खाने में भी कुछ कम ही टाइम रह गया होगा, क्यों आप हाफ आवर का कहा था, तो अभी आ जाएगा, आपको भी दिखाते हैं। वैसे मुंह में पानी होता है, आजकल कुछ और आ रहा है नाल में, आगे फिलहाल तो ठंड आ रही है यार, बहुत सर्दी है यार। यार वैसे आधा घंटा हो गया, अभी तक तो चटनी ही आई है वहाँ, चटनी बड़े मजे की होती है, वैसे आपस की बात है, चटनी आराम की होती है। समझ रहे हो ना। हाँ ये सही है बेटा, मुझे क्या क्या चटनी आराम है, खुद चाटे पे चाटे जा रहे। तो आ गए हैं फिर हमारा शाही प्लेटर। हाँ वाह, दाल फोड़ देंगे। अच्छा वहाँ आपको ठंडे होने की टेंशन है, लेकिन जब तक पहले ब्लॉगिंग कर ले भाई, ये पड़े रहते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुके, पहले आपको ये तो बता दें इसमें है क्या चीज़, इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं इसको सीधा सीख कबाब कहता हूँ, लेकिन ये तो टेढ़ा है। नाइस। इसके अलावा ये बोटियाँ हैं, पता नहीं कौन सी हैं, चिकन बोटी है, बटेर हैं ये, साथ में चिकन पीस है, काबली पुलाव है। हाँ बस यही कुछ है गाइस, क्या कहते हैं अभी भी इसको। बहुत भूखा बैठूं, बंद कर इसको, शुरू करें। चल चल, खुशी चेक कर लड़के की खुशी, खाने को नज़ारे कराना चाहिए, इसको छोड़ दे।
पर इतनी इज्जत मिली है कि साथ हमें चमचे इस तरह पैक करके दिए हैं। बस यार क्या करें, बैकवर्ड इलाके से हैं। आप कहेंगे इस बारे में बाप, साढ़े ना रोगे तो यूं ही ऐश करोगे। हाय हाय मजा है। वैसे आप लोगों ने इधर आना है ना तो ये शाही प्लेटर हाफ है, लाजमी ट्राई करें। इनका सीख कबाब भी बहुत मज़े का है, बाकी इनका ये साथ बटेर होता है ये भी बहुत एक्साइटिंग है। क्यों ठीक बात है ना बाप, मज़ा आ गया कसम से। तो यार हमने अभी डिनर वगैरह कर लिया है तो फुल हो गए हैं, बाकी अब बस यही टेंशन है कि जाएंगे कैसे, क्योंकि एक्चुअली हम आए थे बाइक पर, तो आए तो बड़े मज़े से हैं लेकिन जितनी अब ठंड है ना, यहाँ तो ऐसे हीटर लगे हुए थे लेकिन अब वापसी का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब क्या मज़े तुझे आएंगे मुझे। तो गाइस ठीक है, फिर अब हमने डिनर कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाब भाई के पास ही जाऊँ को एक आध दिन रहूँ, उसके बाद कल मैंने अपनी प्रेजेंटेशन भी जमा करानी है यूनिवर्सिटी में, तो इनसे थोड़ा मैं पावर पॉइंट पे स्लाइड भी बनवा लूँगा। अच्छा हाँ, इसे याद आया कि बेसिकली आज हमारा आने का रीज़न ये था यहाँ पे कि वहाब भाई की जॉब लगी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और इसने कहा लूट लो वहाब भाई को। और तो लूटना तो बनता है भाई, अगर इसकी सैलरी आपको पता चले ना तो आप बोलेंगे इसको लेके जाना चाहिए लंदन में। जैसे मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। वैसे तुझे बात ज़्यादा हो गई है, तेरे बॉडी का एक पार्ट करोड़ों का है वो पता है मुझे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। बोल व्यूअर्स को कोई टिप कैसा कुछ कहेंगे आप? यार आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे पेज को, इसको बाढ़ में जाने दो। ये भी सही है। हाँ तो यार गाइस लाइक और कमेंट लाजमी करना यार आप लोगों के, लाइक्स जो है हाँ जिस पे भी लाइक्स और सब्सक्राइब से इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। बाकी विल गिव यू सच व्लॉग्स अगेन ऑन नस्ट एंड एनी एक्टिविटी आई डू। बाय बाय।